सप्लीमेंट्स आपको मार्केट में बहुत सारे मिल जाएंगे, कुछ काम करते हैं कुछ नहीं काम करते हैं। अब तक मैंने 4 जो सबसे बेकार सबसे खराब सप्लीमेंट्स यूज किए हैं उसके बारे में बताता हूँ, शायद हो सकता है आपके पैसे बच जाए। नंबर 1, वे प्रोटीन आइसोलेट। काफी सारे इन्फ्लुएंसर आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि वे प्रोटीन आइसोलेट कॉन्सेंट्रेट से बेटर होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका डाइजेशन रेट जो होता है वो फास्ट होता है, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन अब रिसर्च बिल्कुल क्लियर है कि वे प्रोटीन आपको स्लो डाइजेस्ट होता है, फास्ट डाइजेस्ट होता है, इससे आपके रिजल्ट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 2, केसिन प्रोटीन। केसिन प्रोटीन के बारे में ये बताया जाता है कि क्योंकि केसिन प्रोटीन स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन है, तो जब आप रात को सोते हो तो आपको लगातार अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं आपको मसल बिल्ड करने के लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 24 घंटों में ओवरऑल जितना आपको चाहिए उतना आप ले रहे हो, तो फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन या स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन आप ले रहे हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नंबर 3, BCAAs। अगर आप जिम जा रहे हो, ओवरऑल प्रोटीन इनटेक आपकी अच्छी है, तो BCAAs लेने से आपको कुछ एक्स्ट्रा फायदा नहीं होगा। नंबर 4, ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन के वैसे और बेनिफिट्स हैं आपके गट हेल्थ में, आपको फायदा कर सकता है, लेकिन ग्लूटामाइन से जो आप रिकवरी बेनिफिट या मसल बिल्डिंग बेनिफिट लेना चाहते हो वो आपको नहीं मिलते।